राष्ट्रवादी विचारधारा का समय भारत में शुरू हुआ। इसके बाद इस देश में जो भी नीति चलेगी, वो आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो या राष्ट्रीय नीति हो, वो केवल राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होगा। अध्यक्ष जी, इस देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी होगा तो पेट्रियोटिक फ्लेवर लेकर होगा, उसके बिना नहीं हो सकेगा। बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने, तो जवाब देते हैं, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे मिले सहज सहयोगी, दोष हमारा श्री राम का यही प्रवृत्ति कर गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, यह बड़ा लक्ष्य हमने रखा है, उसके लिए बड़ी तपस्या कर रहे हैं। सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। राजनीति साहित्य नहीं होता, राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं, और उपाध्यक्ष जी, किसी भी लड़ाई की तिष्ठि तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुए हैं, और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे, ये आज मैं ऐलान करके आपके सामने कहना चाहती हूँ। मेरे देश की संस्कृति पूरे वसुधा के लोगों के सुखों की कामना करने वाली संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है, और इसीलिए हम केवल अपने सुख की कामना नहीं करते, हम सर्व के सुख की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, और जिस मंत्र के माध्यम से सबके सुख की कामना करते हैं, उसी मंत्र का उच्चारण करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। वो मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो।